एक एक जांच में सहयोग करूंगा योगी जी, लेकिन अगर इस प्रकार का धमकी पत्र तुम भेज के मुझे डराने की कोशिश करोगे तो ऐसे धमकी पत्र को मैं फाड़ कर फेंकता हूँ। ऐसे तुम्हारे धमकी पत्र से मैं डरने वाला नहीं हूँ। लेमरा न्यूज आज ही सब्सक्राइब करें लेमरा न्यूज और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। डाक के द्वारा चिट्ठी मुझे भेजी गई 31 अगस्त को और वो चिट्ठी मुझे आज मिली है। ये नोटिस है मुझे आज 3 सितंबर को मिला। तो योगी सरकार 27 अगस्त को नोटिस भेज के कहती है 27 अगस्त को 10 बजे आइए, 31 अगस्त को बाई पोस्ट वो नोटिस भेजती है और 3 सितंबर को नोटिस मुझे दिल्ली के पते पर मिली है। और इसमें लिखा क्या है इन्होंने, ये FIR की कॉपी है जो मकान मालिक के द्वारा दिलाई गई और इस FIR में मेरा नाम भी नहीं है। ये FIR की कॉपी है और इस FIR में मेरा नाम भी नहीं है। एक नाम है राकेश चौधरी, उसका नाम लिखा हुआ है अभियुक्त का और बगल में लिखा हुआ क्या नाम नहीं है मेरा। और इसको लेके योगी सरकार मुझे जो नोटिस भेज रही है उसकी भाषा सुनिए। यदि आप इस नोटिस की शर्तों निबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेंगे तो मुझ विवेचना अधिकारी द्वारा आपको अभियोग में विधि के प्रावधानों के अनुसार गिरफ्तार करके सक्षम न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। ये हो रहा उत्तर प्रदेश में, देश के सर्वोच्च सदन के एक सदस्य, राज्यसभा के एक सांसद को इस तरीके से कानून का माखौल उड़ा के, कानून का मजाक उड़ा के ये धमकी पत्र भेजा जा रहा है। कानून सम्मत, विधि सम्मत, संविधान सम्मत जो भी कानूनी पत्र मेरे पास आएगा एक एक पत्र का जवाब दूंगा योगी जी, एक एक जांच में सहयोग करूंगा योगी जी, लेकिन अगर इस प्रकार का धमकी पत्र तुम भेज के मुझे डराने की कोशिश करोगे तो ऐसे धमकी पत्र को मैं फाड़ कर फेंकता हूँ। ऐसे तुम्हारे धमकी पत्र से मैं डरने वाला नहीं हूँ, मुझे डराने की कोशिश मत करना। ऐसे धमकी पत्र से मुझे फर्क नहीं पड़ता। कानून का पालन करो, संविधान का पालन करो। 27 अगस्त को चिट्ठी लिखते हो, 31 अगस्त को डाक के द्वारा भेजते हो, 3 सितंबर को रिसीव कराते हो और उस चिट्ठी में लिखते हो कि हमें गिरफ्तार कराया जाएगा इसलिए कि हमने दलितों का मुद्दा उठाया, इसलिए कि ब्राह्मणों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया, इसलिए कि प्रभात मिश्रा का जिस प्रकार से उसकी हत्या की गई 12वीं में पढ़ने वाले लड़के के उसका मुद्दा उठाया, राजभर समाज का, तेली समाज का, बढ़ई समाज का, विश्वकर्मा समाज का, खटिक समाज का, जाटो समाज का मुद्दा उठाया, इसलिए आप ये धमकी पत्र भेज के मुझे डराना चाहते हैं। मैं आज भी लखनऊ में मौजूद हूं और अब मैं चिट्ठी भेज रहा हूं थानेदार को, जिस समय भी जब भी मुझे बुलाया जाएगा थाने में जांच के संबंध में, नियमता बुलाया जाएगा, समय पर सूचना दी जाएगी। मैं कानून और संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं, मैं देश के संविधान में भरोसा रखता हूं, मैं देश के कानून में भरोसा रखता हूं। आप कानून का मजाक उड़ा रहे मुझे धमकी देने के लिए, मुझे डराने के लिए। और मैंने क्या गलत कहा, मैं कह तो रहा हूं इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं उस वक्त भी राजभर समाज के एक बच्चे को मार मार के थाने में अधमरा कर दिया गया बलिया में, आप पता कर लीजिए। और उसके बाद वहां एक अजीब सी स्थिति, भयावह स्थिति पैदा हो गई। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश। और इसलिए योगी जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी सरकार में, आप में जितनी हिम्मत हो, जितनी ताकत हो, जितनी FIR दर्ज करना चाहते हो, जितना जेल भेजना चाहते हो भेजो, भेजो। कल भेजना चाहते हो आज भेजो, आज भेजना चाहते हो अभी भेजो। लेकिन जो मुद्दे मैंने उठाए हैं, ब्राह्मणों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे अत्याचार के जो मुद्दे उठाए हैं वो हजार बार उठाऊंगा। और आपसे कह रहा हूं कि जो आप करना चाहते हैं, गिरफ्तार करना चाहते हैं, जेल भेजना चाहते हैं, 1700 थानों में FIR लिखाना चाहते हैं, आप लिखाइए।
आपने मजाक बना के रखा है। आप एक चिट्ठी भेज रहे हैं 27 तारीख की, पोस्ट कर रहे हैं 31 तारीख को, और 3 सितंबर को वो चिट्ठी हमें मिल रही है, और उसमें आप लिख रहे हैं कि अगर आप पेश नहीं हुए तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसलिए बंदर घुड़कियां देना बंद कीजिए।